Hello student, good morning to all of you. Today is the lecture of differentiation. Okay. Going to continue the exercise 1.5. Okay. Last class में 1.4 complete किया थी. 1.4, 1.5. ये क्या higher order differentiation है. Find the second order derivative of the following differentiation. तो सेकेंड ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी को वाई से कुछ कर तो आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना, डी स्क्वायर वाई ऊपर डी एक्स स्क्वायर. तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 2.5. Okay. Y is equal to 2x raised to 5 minus 4x cube minus 2yx square minus 9. तो यहाँ पे सबसे पहले टर्म करेंगे dy by dx और dy by dx x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 10x raised to 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2 है ना. और ये कितना हो जाएगा x की पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x raised to माइनस 3 और पावर माइनस 2 नीचे जाएगा तो इंटू माइनस 2 और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. ओके, नाउ यू कैन राइट 10x raised to 4 माइनस 12x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा फाइनल प्लस 4x raised to -3. तो यहाँ पे एक बार हम डिफरेंशिएट किया उसको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है d² y / dx² d² y / dx² इस तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसमें कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी डी एक्स किस पर करना है dy/dx का डी डी एक्स करना है तो क्या हो जाएगा dx² / dx² नाउ इट इज अभी कितना हो जाएगा तो फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 10 × 4x³ है ना 4x³ - 12x² कितना देगा 2x है ना और प्लस 4 और ये -3x raised to -4 तो नाउ वी कैन राइट 40x³ - 24x - 12x raised to -4. ओके, नाउ इट इज द फाइनल क्या लिख सकते हैं इसको 40x³ - 24x - 12x raised to 4. ये हमारे पास d² y / dx² का रिजल्ट है. ओके, तो इसके क्या करना होता है कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं उसके बाद उसे डबल डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन y = e raised to 4x into cos 5x. ओके, तो क्या करेंगे dy/dx फाइंड आउट करेंगे u into v तो कितना हो जाएगा
यू ई रेज टू 4x cos 5x का डिफरेंशिएशन डी dx ऑफ cos 5x प्लस cos 5x और e रेज टू 4x का d dx e रेज टू 4x तो कितना आ जाएगा डी एच टू फोर एक्स कॉस फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा पहले कॉस माइनस साइन फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स का फाइव इंटू फाइव हो जाएगा प्लस कॉस फाइव एक्स इंटू ई रेज टू फोर एक्स का ई रेज टू फोर एक्स इंटू फोर 4x का 4 यहाँ पे चैनल अप्लाई होगा ना यहाँ पे कैसे होगा 5x के रिस्पेक्ट में एंड देन 5x विल बी डिफरेंशिएटेड बाय dx यहाँ पे सिमिलरली 4x के रिस्पेक्ट में 4x के रिस्पेक्ट में अब 4x विल बी डिफरेंशिएटेड बाय द dx ओके तो नाउ इट इज e रेज़ टू 4x हां 5 इधर आ जाएगा 5 into minus sine 5x plus 4 e raised to 4x e raised to 4x into cos of 5x. Which is a e raised, take common e raised to 4x e raised to 4x common time तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव साइन फाइव एक्स अब प्लस फोर कॉस ऑफ फाइव एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हो गया ओके नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डी इसका डबल डिफरेंशिएशन तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे Again, differentiate it with respect to x. So d, dx, d by by, dx. So kitna ho jayega? D, dx of. Ye function hamare paas u. This is the v. So e pe power 4x into माइनस फाइव ऑफ साइन फाइव एक्स माइनस साइन ऑफ साइन फाइव एक्स प्लस फोर ऑफ कॉस फाइव एक्स कॉस फाइव एक्स ओके ऐसा हो जाएगा कॉस फाइव एक्स अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे So it is the u, it is the v. So u को skip कर देते, e पे power 4x, उसके differentiation लिखेंगे d dx of minus 5 of sine 5x plus 4 of plus 4 cos ऐसा अगर ना इसका डिफरेंशिएशन क्या था नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस वी को स्किप करेंगे वी एंड यू को डिफरेंशिएट करेंगे वी को स्किप करेंगे माइनस फाइव साइन फाइव एक्स और प्लस फोर कॉस फाइव एक्स प्लस फोर कॉस फाइव एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू फोर एक्स तो फाइनल कितना हो जाएगा अभी अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना
इसको क्या करेंगे, 5x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 5x को x के रिस्पेक्ट में। देखो जिसका एक और बेसिक के लेवल का भी क्या है कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप तो ठीक है समझने के लिए, लेकिन एक बार बेसिक क्लियर करो चेन रूल क्या होता है। देखो मेन देखा जाए तो चेन रूल ये हम फर्स्ट लेक्चर से बता रहे हैं, जिसको चेन रूल समझ में आ गया पूरे डिफरेंशिएशन को इजीली कर सकते हैं। तो एक बार आप चेन रूल को सही से समझो और फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 या 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2-3 मार्क्स में ठीक है ना, हम 6-7 लाइन में लिख देते हैं तो हो जाता है। इतना लंबा हरेक स्टेज को अगर हरेक स्टेप को लिखेंगे तो कितना बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आप टाइम को थोड़ा कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो और खास करके चंदोल डायरेक्ट ही करना चाहिए। तो ये रेस टू 4x यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 इसका डिफरेंशिएशन साइन 5x का, 5 sin x का cos 5x, और प्लस -5 sin 5x + 4 cos 5x, और इनपे पावर 4x कितना, इनपे पावर 4x हम टोटल से कॉमन उठा लेते हैं, इनपे पावर 4x तो कितना हो जाएगा, माइनस तो 25 cos 5x -20 into 5, यहां पे ये 5 हमारे पास एक है, ये 5 था, ये 5 एक्स्ट्रा है -5, ये 5 आया, यहाँ पे 20 -20, ओके, तो नाउ इट इज द -20 sin 4x ऐसा हो जाएगा, और प्लस का साइन यहाँ पे, ये प्लस की साइन से ये ब्रैकेट, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 है ना sin 5x और माइनस प्लस 16 cos 5x, ये समझ में आया होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, cos -25 + 16 है तो कितना हो जाएगा, e raised to 4x और -9 cos 5x, और ये कितना लगा, -20 - 40 sin 4x, तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, d² y / dx² ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये हमारे पास क्या दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का, हम वन ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखे थे पैरामेट्रिक फॉर्म का, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है पैरामेट्रिक फॉर्म का, ओके। सेकंड ऑर्डर करना है पैरामेट्रिक फॉर्म को, x = a (θ - sin θ) and y = a (1 - cos θ). Okay. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? पहले dy by
डी थीटा निकालते थे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते थे, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे दोनों को डिवाइड करने के बाद, तो हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ए थीटा का डिफरेंशिएशन वन और साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और वाई डी वाई बाई डी थीटा, ए 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस sin थीटा, ठीक है, तो अभी ये कितना हो गया, ए sin थीटा, और ये हमारे पास कुछ ऐसा, तो यहां पे क्या करेंगे, d by by dx निकाल सकते हैं दोनों के लिए, है ना, और वो जो आएगा वो किसमें आएगा, थीटा के फॉर्मेट में आएगा, वो जो आएगा डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स, तो अभी कितना जाएगा, डी बाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा, ओके, नाउ इट इज द डी बाई बाई डी थीटा ए साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए वन माइनस कॉस थीटा, ए विल बी कैंसिल, it will become sin theta upon 1 minus cos theta. ठीक है, तो d by by dx हमारे पास किस फॉर्मेट में आ गया, ये हमारे पास थीटा के फॉर्मेट में आ गया d by by dx, तो अभी मुझे क्या करना है, यहां पे d by by dx से d square y upon dx square निकालना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन समझ लो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा, ओके, और यहाँ पे डी एक्स इसको डिफरेंशिएट नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डी थीटा बाय डी एक्स निकालेंगे, ओके, तो डी इट विल बी द डिफरेंशिएटेड बाय डी थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा एंड डी थीटा बाय डी एक्स, dx upon d theta, that is the a
वन माइनस कॉस थीटा, ऐसा था डीएक्स अपॉन डी थीटा। नाउ वी कैन राइट डी थीटा बाई डी एक्स इज द डी थीटा बाई डी एक्स विल बी वन अपॉन ए वन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पे हम डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना लगेगा वन अपॉन ए वन माइनस cos थीटा, वन माइनस cos थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल। तो नाउ इट विल बी द डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइनल हो जाएगा। ओके इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाया जाता है, आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे हम आपको भेजे ना नोटबुक, बुक भेजे हैं, बुक में आप देखना एक मेथड और है सॉल्व करने का, आप एक बार समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको उस मेथड को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सेम उसी तरह से आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन में एक चीज और भी है ना कि वहां पे टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, 280 स्क्वायर ऑफ 480 यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ टी, है ना, टी का वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स वाई में एक रिलेशन बनाएंगे कॉन्स्टेंट यूज करते हुए और फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाते हैं, थर्ड में यू हैव टू फाइंड आउट द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन क्यू थीटा यू हैव टू गिवन। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड का थर्ड। तो क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक्स वाई में यहाँ पे रिलेशन बनाना इजी है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था वहां पे रिलेशन नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा था, डी एक्स अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा करना पड़ा था। यहाँ पे वी कैन फॉर्म वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लिख सकते हैं साइन थीटा की जगह पे सब टू एक्स पुट की एंड वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर एंड अगेन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यों आ जाता है, जब आप इसको डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करते हो ना डी वाई बाई डी एक्स को, तो ये आ जाता है डी डी स्क्वायर बाई और डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इस तरह से लिखा जाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू, जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा, इसका टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स, है ना, थ्री और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, दैट इज द सिक्स एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 पे व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 sin थीटा x1 कितना हो जाएगा, दिस पॉइंट कितना हो जाएगा x1 y1 बिगिन राइट राइट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास sin पाई बाय 4 पॉइंट 2 हो जाएगा और sin पाई बाय 4 का sin पाई sin
क्यों पाया है फॉर्म, मेरा मुझे इससे यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हम जस्ट लिख लेते, कोई क्वेश्चन में यूज भी हो सकता है, इस तरह से हम उसका पॉइंट निकालते हैं, जिस पॉइंट में पूछा जाएगा उस पॉइंट को हमें यहाँ पे थ्रू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना जाएगा, साइन पाई बाय फोर इज द 1/√2 और 1/√2 का क्यूब, तो फाइनल इट विल बी द 1/√2 कॉमा 1/√2 इक्विवेलेंट का साइन हम लगाते हैं कि इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1/1 को इंडिकेट करने के लिए इक्विवेलेंट का साइन ट्रिपल लाइन डालते हैं, इक्वल नहीं रख रहे, ये पॉइंट हमारा ये है और ये पॉइंट ये है, तो 1/√2 2√2। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1/√2 पुट करेंगे 6 × 1/√2, तो फाइनल कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 3√2 है ना, ये फाइनल हमारा 3√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर मेन थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन है, हम लास्ट क्लास में भी जो बता रहे थे कि प्रूफ करने का क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि क्वेश्चन मुझे अगर डबल डिफरेंशिएशन लाना है दैट इज द इजी टास्क है, लेकिन प्रूफ करने में मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ता है, ऊपर के डेटा को नीचे के डेटा को थोड़ा सेट करना पड़ता है ना, तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट नंबर x = 80 square और y = 2 8, ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला है ना, आप इस हम बता चुके हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला सारा बताया हुआ है अलग अलग क्लास में, आप एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हो। तो प्रूफ यहां पे क्या करना है, x y d x square by d x square plus a is equal to 0, फिर उसके बाद उसको सेट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 80 स्क्वायर हो रहा है ना, तो y square is equal to twice 80, y square is equal to 480, y 480, इसको satisfy करवाइए, तो y square is equal to twice 80 का square of 4 times of a and x का value 80 square, तो 4a² b² और यहाँ भी 4a² b², ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन होता था y² = 4ax, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है y² = 4ax, इससे हम डिवाइड बाय dx निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 2y (dy/dx) is equal to 4, ऐसा हो जाएगा dy/dx। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे डबल डिफरेंशिएशन इसको करना है ना, डबल डिफरेंशिएशन लाना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं dy/dx = 2 से 2 इधर कैंसिल, तो 2a upon y हो जाएगा। ओके, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो d²y यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी u/v अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो करते हुए, हम इस तरह से भी डबल डिफरेंशिएशन करेंगे d²y / dx², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा,
माइनस 2a अपॉन y स्क्वायर। सुनो तो अभी क्या हो जाएगा ये माइनस 2a अपॉन y स्क्वायर नाउ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इनटू y स्क्वायर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू माइनस 2a। अभी यहां पे y का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा एक यहां पे क्या है x इनटू y है तो x y d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एक y को हम इसके नीचे ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2a अपॉन y है ना। मुझे इस फॉर्मेट में प्रूफ करना है तो अभी a 2a अपॉन y का वैल्यू हम कहां से उठाएंगे 2a अपॉन y का वैल्यू हम इससे उठाएंगे ये जो इक्वेशन है हमारे पास y का वैल्यू 2a अपॉन हम क्या करते हैं यहां पे y से दोनों को डिवाइड करा देते हैं तो y से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा y 4a 2a upon y y का वैल्यू ट्वाइस 80 पुट कर सकते हैं ना y का वैल्यू यहां पे ट्वाइस 80 ट्वाइस 80 2a 2a विल बी कैंसिल तो माइनस 1 बाय t माइनस 1 बाय t तो माइनस वन बाई टी एक्स का वैल्यूस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट पहले थोड़ा सा इसको ना यू इंटू वी रूल अप्लाई कर लेते एक मिनट यहां पे वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा y डबल डिफरेंशिएशन इसका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx यहां पे dy बाय dx का होल स्क्वायर अब प्लस इसका जीरो हो जाएगा। ओके नाउ y इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास कितना था अभी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो था ये हम लिख सकते टू ए अपॉन वाई लिख सकते टू ए अपॉन वाई तो इट इज दैट टू ए अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो फाइनल कितना हो गया